दोस्तों स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को सिखाया जाता है कि मैच के दौरान कोई गलती नहीं करनी, वरना सालों की हुई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लेकिन सोचा जाए तो खिलाड़ी कोई फरिश्ते थोड़ी होते हैं, वो भी तो इंसान ही होते हैं, उनसे भी तो गलतियां हो सकती हैं। लेकिन कभी कभार स्पोर्ट्समैन ऐसी गलतियां कर देते हैं या कुदरत की तरफ से हो जाती हैं जिनकी हेडलाइंस बन जाती हैं और सोशल मीडिया पे उनकी मीम्स गर्दिश भी आ जाती हैं। आज हम आपको स्पोर्ट्स में होने वाले 10 इंतहाई शर्मनाक वाक्य दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बनी घंटी को भी बजा दें ताकि हम आपको इस तरह की मजीद वीडियो से इंटरटेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ खिलाड़ी वक्त से पहले ही अपनी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस आइस स्केटर लड़की ने अपने मुखालिफ को पीछे छोड़ते हुए वक्त से पहले ही अपने फैंस की तरफ हाथ लहराना शुरू कर दिया, लेकिन उसे ठोकर लगी, गिरी और आखिर पे डाइव करती हुई उठी। बेचारी फर्स्ट पे आने की बजाय फोर्थ नंबर पर आई। इस वीडियो में दोनों फाइटर्स एक ही वक्त में एक दूसरे को नॉकआउट कर देते हैं। और ये एक शानदार डबल नॉकआउट है जिसके बाद दोनों फाइटर्स से उठा नहीं गया और दोनों फाइटर्स को वही फर्स्ट एड दी गई। You know, I had the same in Holland. Is that amazing? Same thing with right straight on. I mean, they knocked each other out. One more look at this. Oh my goodness. In Holland, there was one with two right, one with look at this. Boof! Oh my goodness. कहते हैं कि अच्छा गोलकीपर एक फुटबॉल टीम की आधी जान होता है, लेकिन कभी कभार ये बड़ी फनी गलतियां करते दिखाई देते हैं। ये गोलकीपर बड़ी शोखी के साथ फुटबॉल को पैर के साथ रोकने की कोशिश करता है जो कि पांव के साथ नहीं लगती। बाद में दौड़कर रोकने की कोशिश करता है, फिर हाथ पैर मारने का क्या फायदा जब पानी सर से गुजर जाए। Leading in the race can overtake the mind and reduce concentration. ये सब कुछ exactly Daria Domracheva के साथ हुआ। सबसे पहले आते हुए वो भूल गई कि खड़े होने की बजाय लेट कर शूटिंग करनी थी। नतीजे में उसके 5 शॉट्स काउंट नहीं किए गए। ये हॉकी प्लेयर नेट के खाली होते हुए भी गोल ना कर पाया। वहाँ पे कोई भी नहीं था जो उसे गोल करने से रोकता, लेकिन खिलाड़ी बाल को दूसरी तरफ ले गया और फिर घूमने की कोशिश की और गिर गया। ओपोनेंट ने मौके का फायदा उठाते हुए उनको गोल कर दिया। एक तगड़े धक्के की वजह से टॉमी मिकाई का यूनिफॉर्म ग्लास पैनल्स के बीच में फंस गया। खिलाड़ी भी ना निकाल पाए, फिर रेफरी मदद करने आए। इस वीडियो में लड़कियां फिनिश लाइन ड्रॉप करने में बहुत लेट हो गईं। इसके बाद मेरे नजदीक विनर का तय्यन करना सिंपली इम्पॉसिबल। गाइस, आपको कौन सा एथलीट विनर लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ आप कैमरा ऑपरेटर देख रहे हैं जो दुनिया के तेज तरीन रनर के क्लोजअप लेना चाहता है। यूज एंड बॉल। Soppica un po', è stato investito dal cameraman. Queste sono riprese non della regia internazionale, ma della. कभी कभार विनर की अनाउंसमेंट के दौरान रेफरी गलत फाइटर का हाथ उठा देता है और ये वाकई ही शर्मनाक वाक्य है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आपको सबसे ज्यादा कौन सा क्लिप अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।